दिल्ली में लगभग 18 महीने के बाद आज से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में भी स्कूलों में बच्चों की रौनक दिखाई दी। हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाएं, मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। किसी भी अभिभावक को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल दिवाली के बाद ही स्कूल खोलेंगे, मगर सभी सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं। जो स्कूल खुल रहे हैं उन्हें अभिभावकों ने कंसेंट फॉर्म साइन कर भेजा है। स्कूलों का कहना है कि ज्यादातर अभिभावक दिवाली के बाद के लिए बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो दिवाली के बाद कोविड की स्थिति भी देखना चाहते हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में 2 नवंबर और कई स्कूलों में 3 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां भी हो गई हैं। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुल सकेंगे। इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार शादी समारोह या किसी गैदरिंग में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभी तक 100 की ही इजाजत दी गई थी। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल अब भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। दिल्ली में लगभग 18 महीने के बाद आज से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में भी स्कूलों में बच्चों की रौनक दिखाई दी। हालांकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाएं, मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। किसी भी अभिभावक को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल दिवाली के बाद ही स्कूल खोलेंगे, मगर सभी सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं। जो स्कूल खुल रहे हैं उन्हें अभिभावकों ने कंसेंट फॉर्म साइन कर भेजा है। स्कूलों का कहना है कि ज्यादातर अभिभावक दिवाली के बाद के लिए बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो दिवाली के बाद कोविड की स्थिति भी देखना चाहते हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में 2 नवंबर और कई स्कूलों में 3 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां भी हो गई हैं। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुल सकेंगे। इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार शादी समारोह या किसी गैदरिंग में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभी तक 100 की ही इजाजत दी गई थी। हालांकि रेस्टोरेंट, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल अब भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।